हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे न्यू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अल्फा ओरिजिन। इसमें हम आपको बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ नॉलेज की बातें, कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स के बारे में। जैसे आइए कि जानते हैं कि कैसे फैक्ट्स, जैसे म्यूटो अच्छा है या बुरा है, पिकाचू के बाद राइचू का कौन सा स्टेज आता है, दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन कौन सा है। तो बिना वेस्ट करे टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, पोकेमोन की शुरुआत 1997 जापान में हुई थी। ये शो जापान का और साथ ही साथ ऑल कंट्रीज में चलने वाला मोस्ट पॉपुलर शो रह चुका है। इसके आज तक टोटल 23 सीजन रह चुके हैं दोस्तों। उसमें से मोस्ट पॉपुलर सीजन इंडिगो लीग वाला था और उससे भी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सीजन जो था रह चुका था वो था जोटो लीग वाला। और इस शो के डायरेक्टर्स का नाम सातोशी ताजिरी एंड केन सुजीमुरी था। पोकेमोन फ्रेंचाइज पे बेस्ड एक थीम पार्क जापान में खोला गया था जो कि जापान में मार्च 18 2005 में खोला गया था और इसे बंद सितंबर 24 2005 में बंद कर दिया गया था। इसकी एक और ब्रांच ताइवान में भी खोली गई थी जो कि जून 23 2006 में खोली गई थी और इसे सितंबर 24 2006 में ही बंद कर दिया गया था। तो एनीवेज बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर टू, 1997 में पिकाचू थोड़ा मोटा सा था बट 2020 आते आते वो पतला हो गया पता नहीं कैसे। पर जो भी हो उसकी असली एज है 24 ईयर्स ओल्ड। फैक्ट नंबर थ्री, पिकाचू के बाद राइचू का कौन सा स्टेज आता है जो कभी एनीमे में कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। इसका थर्ड स्टेज है गुरुचू। गुरु का मतलब है थंडर और चू का मतलब चूहे का चू। गुरुचू को सिर्फ गेम्स में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। फैक्ट नंबर फोर, तो बात करें दुनिया के सबसे ताकतवर पोकेमोन की आरसीएस जो कभी किसी से नहीं हारता। अब बात करें रिक्वेजा की, पावरफुल पोकेमोन की लिस्ट में जो दूसरा नाम आता है वो है रिक्वेजा। अब बात करते हैं म्यूटू की, डार्क पोकेमोन की लिस्ट में म्यूटू का नाम सबसे ऊपर आता है। इसे इवल पोकेमोन के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर फाइव, राइडोन। राइडोन के बारे में कौन नहीं जानता पहले। राइडोन तो पहला ऐसा पोकेमोन है जिसे रियल वर्ल्ड के किसी एनिमल से मेल खाता हुआ बताया जाता है। इसकी स्पीड तो काफ़ी स्लो है बट इसकी स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पोकेमोन की सीरीज में जब मियोथ और पिकाचू के पीछे भागा था तब ये काफ़ी देर तक थका नहीं था। तो क्या पता हमें आगे ये किसी और पोकेमोन से भी बढ़ता हुआ नजर आए क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ हमारे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर सिक्स, तो बात करेंगे पोकेमोन मूवीज़ की। ये है पोकेमोन की कुछ न्यू मूवीज़, इसके पोस्टर्स काफ़ी स्क्रीन के ऊपर हैं, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर सेवन दोस्तों, रेड भी एक पोकेमोन ट्रेनर था जो कि पोकेमोन सीरीज में ऐश के साथ कभी भी किसी भी एपिसोड में नहीं दिखाया गया और अगर दिखाया भी गया होगा तो मैं आपको रिसर्च करके इसके बारे में बाद में बताऊंगा। बट अभी तो मेरी और गूगल कैलकुलेशन के हिसाब से रेड ऐश के डैड है, बाकी पता नहीं डायरेक्टर उस प्लेटफॉर्म में। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।